फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं आपको यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई है फ्रेंड, असिस्टेंट ऑपरेटर की। फ्रेंड्स ठीक है, ये फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल है और इसकी जो लास्ट डेट है फ्रेंड्स, उसकी जो लास्ट डेट है क्या है फ्रेंड्स, 23 फरवरी इसकी लास्ट डेट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड कि आज का डेट क्या है फ्रेंड, आज डेट है आपका 24 फरवरी। ठीक है, ये जो इसका जो पोस्ट डेट है फ्रेंड्स, लास्ट डेट नहीं, पोस्ट डेट है 23 फरवरी इसका वो है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि फ्रेंड्स इसका जो रिक्रूटमेंट होगा, ओबीसी बात है फ्रेंड्स, यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश में ही होगा इसका जो रिक्रूटमेंट होगा। और भी मैं आपको चीज़ दिखाने वाला हूँ, उसमें जो नई चीज़ है क्या है, आप देख सकते हो कि जो एप्लीकेशन बिगन हुआ है 20 जनवरी 2020। ठीक है, लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, और जो फीस का है फ्रेंड्स 15/3/2022। ठीक है फ्रेंड्स, पंद्रह मार्च इसका लास्ट डेट है फ्रेंड्स, 15 मार्च। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। और जनरल ओबीसी के लिए फ्रेंड्स 400 रुपये, SC ST के लिए 400 रुपये और फीमेल के लिए भी 400 रुपये, सबके लिए इक्वल फीस है। एज लिमिट क्या दे सकते हैं फ्रेंड, 18 ईयर्स एज दिया है इसमें, और ये आपका मिनिमम एज है, मैक्सिमम 22 साल। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखिएगा आपकी, ऐसे कि आप सब कुछ अप्लाई कर दीजिए जो भी आपका, ऐसा कुछ सीन नहीं है इसमें। इसमें जो वैकेंसी आई है टोटल पोस्ट की 1374 आई है। ठीक है, और क्या क्वालिफिकेशन मांग रहा है फ्रेंड्स, 10+2 इंटरमीडिएट विथ फिजिक्स मैथमेटिक्स एज एज कंपलसरी सब्जेक्ट। ओके, चलिए ठीक क्लियर हो गया। अब देखिए फिजिकल की बात किया फ्रेंड्स, फिजिकल एलिजिबिलिटी कितना है, तो जनरल ओबीसी के लिए जो साइज पूछा है 168। ठीक है, बोले तो ये जो हाइट की बात किया है, हाइट 168 सेंटीमीटर, और मेल के लिए जो चेस्ट की साइज बोला है फ्रेंड्स 79-85 सेंटीमीटर। ठीक है, गर्ल्स के लिए 152 बात किया है। ठीक है, हाइट की, और चेस्ट का तो कोई रिकमेंड नहीं है उसमें। और रनिंग जो बॉयज़ के लिए 4.8 किलोमीटर 20 मिनट में, और गर्ल्स के लिए 2.4 किलोमीटर इन 16 मिनट में। ठीक है, अब ये पता करना है कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी आई है फ्रेंड्स। ठीक है, तो भी आप दे सकते हो, आप जनरल के लिए 552 आई है, EWS के लिए 137, OBC के लिए 370, SC के लिए 288 वैकेंसी आई हुई है, ST के लिए 227 आई हुई है, टोटल 1374 पोस्ट आए हुए हैं टोटल कैटेगरी को मिला के। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे क्लिक करके, नोटिफिकेशन कुछ देखना है तो आप देख सकते हो, जो भी डेट एक्सटेंड हुए हैं, सिलेबस देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि हिंदी के सिलेबस जो भी आपने क्लास 9th 10th में पढ़े थे, वही इसमें बेसिकली पूछे ही जाते हैं। विज्ञान आपने जो पढ़ा था 12th लेवल पे या 10th लेवल पे, वही पूछा गया एग्ज़ाम, कुछ खास मतलब सिलेबस उसका है नहीं। जो आपने 9th 10th में पढ़ा था साइंस से लेकर, हिंदी से लेकर, सामान्य ज्ञान से लेकर, सब कुछ वही पूछा गया है। बाकी आप देख सकते हो कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कुछ ज़्यादा ही नहीं पूछा गया है, जो भी आपने सॉल्व किया 4, 5, 6 क्लास में वही पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि फ्रेंड्स ये सब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको बोले तो प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन जो अगर आपको माइंड में टारगेट है कि वो गवर्नमेंट एग्जाम में क्वालिफाई करना है, तो सिंपल सा बात यही है कि आपको 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ठीक है, बोले तो उस जो सिलेबस आप पढ़ रहे हो उस समय, वो आपके माइंड में अभी भी होना चाहिए यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो इन फ्यूचर तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही, क्योंकि आप देख सकते हो कि मोस्टली अगर हम बात करें 70-80% सिलेबस फ्रेंड्स वहीं से पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो बुद्धिलब्धि की देख सकते हो, तार्किक परीक्षा देख सकते हो, सामान्य ज्ञान में कुछ नया नहीं है, वही अनुसंधान खोज पुस्तकें लेखकों सोशल मीडिया कम्युनिकेशन ही है, और यूपी से रिलेटेड बेसिकली आपको जानकारी हासिल होना चाहिए, क्योंकि भाई आप यूपी पुलिस से एग्ज़ाम दे रहे हो तो ओबीसी बात है, असिस्टेंट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम दे रहे हो तो ओबीसी बात है, मोस्टली इसमें यूपी के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा पूछने वाला नहीं है, और यही आपका सिलेबस था। और दिखा देता हूँ फ्रेंड्स आपको नोटिफिकेशन के लिए, यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट जाने के लिए आपको लगता है कि हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके इसको चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं फ्रेंड्स। ठीक है,
आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया आपसे, रेट वगैरह कितना है इसका, चार्जेस है, ठीक है। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो चाहिए साइंस से रिलेटेड, तो हमारे वीडियो इजी सरकारी एग्जाम पे हमें ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड्स, ठीक है। उस पर जाके आप जितने भी फ्रेंड्स एमसीक्यू क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के, साइंस के, रीजनिंग के, और फ्रेंड्स फूड सेफ्टी ऑफिसर से रिलेटेड भी जो भी एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं उससे भी रिलेटेड वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं मेरे चैनल इजी सरकारी एग्जाम पे। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो फ्रेंड्स उस पर मिल जाएगा। फ्रेंड्स अभी हाल ही में मैंने अपलोड किए वीडियो भारत की नदियाँ, भारत के पर्वत के बारे में, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए फ्रेंड्स।